दोस्तों, जैसे कि हमने आपको कल बताया था अपने वीडियो में कि जो लोग ईएमआई के बारे में सोच रहे थे कि अप्रैल में जो ईएमआई आएगी तो उसको वो कैसे पे करेंगे, क्योंकि इनकम तो अभी बंद हो रखी है और आपका बिजनेस है या आपका जहाँ भी जॉब है तो वहाँ से आपको सैलरी या इनकम नहीं हो रही है, तो वो कैसे आप इससे ईएमआई कैसे पे करेंगे। तो ये बहुत बड़ी क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों का सवाल था ये। तो यहाँ पर अभी आज एक बड़ी खबर निकल के आई है, यू जो कि आरबीआई ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को बता दिया है कि यहाँ पर एक तो सबसे पहली बड़ी बात है कि 0.75% का जो रेपो रेट है वो कम कर दिया है, जिससे कि जो ईएमआई चल रही थी जिन लोगों की उनका उनमें ब्याज दर में सीधे सीधे कमी आ जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पर आपके लिए ये आज निकल के आई है, तो यहाँ पर आपके लिए ईएमआई का ऑप्शन ये है कि वहाँ पे आरबीआई ने अभी अपनी सलाह दी है सभी बैंकों को, वो अपनी बैंक्स वगैरह सारी जल्दी से जल्दी जो ईएमआई देते हैं लोगों को, वहाँ ईएमआई 3 महीने की राहत दें अपने ग्राहकों को। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अभी सभी बैंक एक मीटिंग करेंगे, आपस में बात करेंगे और देखना होगा कि वो 1 महीने की राहत मिलती है या फिर 3 महीने की राहत मिलती है। तो सभी बैंक अपने हिसाब से इस राहत को देंगे अपने कस्टमर्स को। तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आपको 1 महीने से या फिर 3 महीने तक की कोई ईएमआई ना देनी पड़े और वो ईएमआई आपको नेक्स्ट टाइम में हो जाएगी शिफ्ट। तो यहाँ से कुछ जो कस्टमर हैं जिन्होंने लोन लिए हुए हैं अपने बहुत सारे, तो वहाँ पर उन लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी इस मंदी के टाइम पर। तो आज की वीडियो में यही था, और जैसे ही ये कंफर्म करती है बैंक उसके बाद हम आपको वीडियो बना के दोबारा बताएंगे कि या किस किन 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 बैंकों ने कंफर्म कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ध्यान रखिए अपना।